हे गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो आस्ट्रल जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आज मेरे पास पोको M3 प्रो 5G फ़ोन। इस फोन में दोस्तों आज OTG टेस्ट करेंगे और OTG टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा एसेसरीज है, यहाँ तक कि कीबोर्ड, माउस, 1 TB का हार्ड ड्राइव और रिवर्स चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे पोको M3 प्रो में क्या क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोको M3 प्रो 5G फ़ोन में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइप सी OTG है। ओके, इस OTG को पहले लगा लेते हैं और जितना भी एसेसरीज में अभी चेक करेंगे सारा का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं OTG लगा दिए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास सैंडिक्स का पेन ड्राइव, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो इसे दोस्तों अभी फ़ोन में लगाते हैं और देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट कर दिए हैं और इंसर्ट करते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पोको का फ़ोन में डायरेक्टली सपोर्ट करता है OTG। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं OTG लगा दिए हैं। ओके, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया इस पर आप अगर टैप करते हैं तो ये देखिए, जो हमारा USB है मतलब पेन ड्राइव, ये सारा फाइल सपोर्ट कर चुका है। इसमें जो वीडियो रखे थे वो सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। ओके, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे पेन ड्राइव सपोर्ट करता है इस फ़ोन में। तो आप अगर पेन ड्राइव से कुछ डिटेल्स वगैरह निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से OTG की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एसेसरीज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरे पास लॉगिटेक का ब्लूटूथ रिसीवर, जिसकी हेल्प से कीबोर्ड माउस दोनों को चलाते हैं अपने PC में, लैपटॉप में। तो इसे अभी फ़ोन में लगाते हैं और देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। ओके, और ये है माउस, और माउस का कर्सर भी आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर टाइप करते हैं, ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं चैनल का नाम परफेक्टली यहाँ पे टाइप हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे सर्च करते हैं, इंटर मारता हूँ, ये देखिए तो आ गया ना दोस्तों चैनल का नाम। तो इस तरीके से दोस्तों कीबोर्ड माउस एकदम परफेक्टली सपोर्ट करता है। ओके, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर घर पे ही टाइपिंग स्पीड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से कीबोर्ड माउस फ़ोन पे ही कनेक्ट करके टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इस फ़ोन में। नेक्स्ट एसेसरीज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरे पास 1 TB का हार्ड ड्राइव, इसे अभी फ़ोन में लगाते हैं और देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। पोको M3 प्रो 5G फ़ोन में 1 TB का हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है या नहीं करता है, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे इंसर्ट कर दिए हैं और इंसर्ट करते ही यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक भी कर रहा है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन तो आया हुआ था, एक बार फिर से लगाते हैं। ओके, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB ड्राइव इस कनेक्ट लिखा हुआ है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे 1 TB का हार्ड ड्राइव जो है ये सारा चीज़ आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर जो भी फाइल वगैरह है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों 1 TB का हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करता है पोको M3 प्रो 5G फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठीक था, इस फोन में सारा एसेसरी सपोर्ट करता है। क्या रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पोको M3 प्रो फ़ोन से सैमसंग गैलेक्सी F41 फ़ोन को चार्ज करके रिवर्स चार्जिंग होता है या नहीं होता है, और 10 मिनट के लिए चार्ज करके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको बैटरी दिखाना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए बैटरी हमारा पोको M3 प्रो 5G फ़ोन में 70% चार्ज है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 70% चार्ज है। और ये सैमसंग का फ़ोन में कितना है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 75% चार्ज है। तो यहाँ पे अभी चार्जर को इंसर्ट करते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया है। 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ओके। और 10 मिनट में देखेंगे पोको M3 Pro 5G फ़ोन में कितना बैटरी ड्रेन होता है और सैमसंग वाले फ़ोन में कितना चार्ज होता है ये देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी चार्ज होने देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं 10 मिनट हो चुका है, ओके। और यहां पे सैमसंग का फ़ोन कितना चार्ज हुआ ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 76% दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज में जाके दिखा देता हूं आपको। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं 76% चार्ज है। और पोको M3 Pro 5G फ़ोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 70% चार्ज था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 67% चार्ज है अभी, ओके। तो 3% बैटरी ड्रेन हुआ है पोको M3 Pro 5G फ़ोन में। और यहाँ पे सैमसंग का जो फ़ोन है F41, इसमें बस 1% चार्ज हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 75 था 76 हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों रिवर्स चार्जिंग होता है, लेकिन काफ़ी स्लो है। इमरजेंसी तौर पे दोस्तों आप काम में ले सकते हैं रिवर्स चार्जिंग, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से OTG लगा के ले सकते हैं। तो आपको अगर ये फ़ोन बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और जितना भी एसेसरीज दिखाया सारा का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का और सारा एसेसरीज का। तो आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और बाइक करना तो बाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।